आप सभी का स्वागत है ताजा खबरों में। जी आज हम चलते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन की ओर, जो गूगल और सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया है, लेकिन क्यों और किस वजह से, जानिए इस पूरी खबर में। गूगल और एप्पल ने भारत में चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। राइटर्स ने यह जानकारी दी है कि मद्रास हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार से कहा था कि टिकटॉक को बैन किया जाए, क्योंकि इससे पोर्नोग्राफी और बच्चों के प्रति यौन हिंसा को बढ़ावा मिला है। ऐप को बैन करने के लिए एक जनहित याचिका दायर हुई थी। टिकटॉक को सुप्रीम कोर्ट से भी यह नहीं मिली राहत। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस टेक्नोलॉजी ने हाईकोर्ट के आदेश को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने टिकटॉक की अपील खारिज कर दी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एप्पल और गूगल को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने मंगलवार को प्ले स्टोर से टिकटॉक हटा लिया। बुधवार से एप्पल के प्लेटफॉर्म पर भी ऐप मौजूद नहीं है। गूगल ने कहा है कि वह इंडिविजुअल ऐप पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन स्थानीय कानून का पालन करता है। एप्पल की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। टिकटॉक के यूजर स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। ऐप एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर के मुताबिक फरवरी तक भारत में 24 करोड़ लोग टिकटॉक डाउनलोड कर चुके थे। हम ऐसी जानकारी आपको हर रोज देते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.